ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मंत्री राजीव सैजल द्वारा नाचन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मंदिर में उनके साथ यहां के स्थानीय विधायक विनोद कुमार के सामने उनके मंदिर में प्रवेश करने से दलित समुदाय से संबंधित होने के नाते मंदिर प्रबंधन द्वारा रोकने के बयान पर दलित नेता एवं संयोजक दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक तथा पूर्व जिला परिषद सदस्य राही ने पुलिस अधीक्षक मंडी से इस मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी है। विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान मंत्री राजीव सहजल द्वारा नचन विधानसभा क्षेत्र के दौरे के दौरान मंदिर में उनके साथ यहां के स्थानीय विधायक विनोद कुमार के सामने उन्हें मंदिर में प्रवेश करने से दलित समुदाय से संबंधित होने के नाते मंदिर प्रबंधन द्वारा रोकने के बयान को लेकर दलित नेता एवं संयोजक दलित पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक तथा पूर्व जिला परिषद सदस्य राही ने पुलिस अधीक्षक मंडी से इस मामले में की गई कार्यवाही की जानकारी मांगी है। इस संदर्भ में चमन राही ने एक सप्ताह पहले पुलिस अधीक्षक मंडी को एक लिखित शिकायत देकर इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की अपील की थी। उनके द्वारा दर्ज करवाई गई शिकायत पर पुलिस ने क्या कार्यवाही की ये जानने के लिए चमन राही ने एसपी मंडी से इस मामले को लेकर पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही की जानकारी देने की मांग की। चमन राही का तर्क है कि प्रदेश सरकार के मंत्री सहजल ने ये बयान एससी एसटी आरक्षण को लेकर बुलाए गए विधानसभा के विशेष सत्र में महामहिम राज्यपाल व प्रदेश के मुख्यमंत्री व विधानसभा के तमाम सदस्यों के समक्ष दी है, इसलिए इस मामले की निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। आज मैंने एसपी साहब से दोबारा स्टेटस रिपोर्ट मांगने का उनको याद कराया। उन्होंने कहा कि हमने उनको उनके बात फोन से बात हुई है, मंत्री जी से भी और विधायक जी से भी, उन्होंने कबूल किया है, उन्होंने वो अब इस मामले में मुखर रहे। तो मुझे इस बात की हैरानी है कि मुखरना एक इतनी नैतिक जिम्मेवारी के हिमाचल सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर और हजारों आदमियों ने उनको चुन के वहाँ भेजा माननीय विधायक विनोद जी को, वो इस प्रकार से समाज में जो उन्होंने जहर घोला, अगर वो मुखर रहे हैं, क्यों मुखर रहे हैं, उन्होंने बोला क्यों मंत्री महामहिम के सामने, पूरी सरकार के सामने, पूरे वहाँ आईएएस पूरे आईपीएस अफसर बैठे थे उनके सामने उन्होंने बोला, तो मैंने यही कहा कि ये मामला दर्ज हो, एफआईआर लॉज हो, लेकिन अभी तक हुई नहीं। ये कह रहे हैं कि हम छानबीन कर रहे हैं, इन्होंने कहा कि आप हायर लेवल पे भी इस बात को उठाएं, तो अब अगला जो हमारा तो ये था आज दिन भर का कार्यक्रम। कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों के साथ, आप ऐसे ही जुड़े रहिए एस टुडे के साथ। नमस्कार।